आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। टीका उत्सव के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंच रहे हैं, जबकि चिकित्सकों का मानना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी के साथ वैक्सीन भी बचाव का बड़ा हथियार है। अब जल्द ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी आम जनता तक पहुंचने वाली है। सोमवार को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक को भी मंजूरी मिल गई है। और मैं प्रैक्टिस एक्सपीरियंस मुझे 42 साल का है, चेस्ट एलर्जीज में है और मैं अजीत नगर में प्रैक्टिस करता हूँ यूजुअली। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए आप आए, टीका उत्सव चल रहा है, यहाँ पे कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन लगा, मुझे तो पहली बार ऐसा लगा कि मैं कोई जिला अस्पताल नहीं, बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में ही आया हूँ। मुझे तो आभास नहीं होता था, पहले मैं आया करता था, पर अब नया ब्लॉक जो है बहुत बेहतरीन है। जब आप जिला अस्पताल के लिए निकले तब कैसा क्या विचार था जिला अस्पताल के बारे में, और यहाँ आकर कैसा पाया? मुझे तो लग रहा था कि पहले 0% तब तो 100% सक्सेसफुल। आई नेवर इमेजिन दिस सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, बिकॉज 20 ईयर्स आई केम बैक, 20 ईयर्स फेल ऑल्सो डे बाई डे, बट टुडे आई एम फीलिंग गुड। डॉक्टर साहब, आप एलर्जी एक्सपर्ट हैं, मैं जानना चाहूँगा कि कौन लोग ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि अगर एलर्जी की बात करें किनको नहीं लगवानी चाहिए? नहीं, देखिए, जो एलर्जी की वैक्सीन सभी, ये वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए। मैं इन्फ्लूवैक भी लगवाता हूँ अपने पेशेंट जो एलर्जी के हैं, उनको निमोवैक है, पर दे आर वेरी कॉस्टली। इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट टॉलरेट दैट वन ऑफ वैक्सीन्स, बिकॉज दे आर नो मोर देन 2,000 रुपीज़ कॉस्टिंग, ये है ना। अब ये वैक्सीन्स लगाए COPD लोगों को थोड़ा सोच के लगाना चाहिए।